दोस्तों कैसे हैं आप सब। कहता कि आप सब ठीक होंगे और खेलित होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ऊपर के और नीचे के बर्ड्स दिखाऊंगा। तो आज मैं आपको ऊपर के नीचे के बर्ड्स दिखाऊंगा, सील दिखाऊंगा, मुर्गियां और घुमड़े, रैबिट्स तो नहीं है, रैबिट्स हम लाएंगे बहुत जल्द। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भी छत के परिंदे सारे आपको बर्ड्स दिखाऊंगा। तो एक खुशखबरी है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपको दिखाते हैं दोस्तों। अभी ना छत में चले जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ्लोर हो गया और ये हमारा तीसरा फ्लोर। तो मैं तोतों के पास तो पहुंच गया हूँ, देखते हैं। दोस्तों मैं ऊपर आ गया तो ये हमारा मजरूम है। लैला अपने अंडों पर बैठी हुई है और हमने ना इनके को चेक किया था। इनके अंडों में ना माशाल्लाह बच्चे बन गए और जो ब्लड से की वेन्स होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो दोबारा से इसके अंडे जल्दी बच्चे लेकर आए हैं। लैला इस वक्त अंदर बैठे देखे उनके अंडे और ये लैला इस वक्त बाहर आई है। तो अभी बंद कर देते और लैला को अंदर भेज देते हैं ताकि लैला के अंडों को देखे। तो चलो जाओ, लैला अंदर चले गई। तो अभी मैं आपको स्टेलिन दिखाती हूँ। तो ये हमारे स्टेलिन बर्ड्स और ये देखें, ये वो छोटा सा बच्चा था जो अंडे में से निकला था और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और थोड़ा थोड़ा उड़ता भी है और अब स्टिक में भी बैठ रहा है माशाल्लाह। देखे डरता भी है। दोस्तों हमारी जो है ना रेमबो ने अंडे दिए थे, उसके अंडे जो थे ना वो खराब हो गए थे। हमारे स्टेलिन का बच्चा माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़ा हो गया और ये अभी पता नहीं चला मेल है या फीमेल, पता नहीं इसका कब पता चलेगा। जब इसकी नोज में कलर आना शुरू होएगा ना तभी इसका पता चलेगा ये मेल है या फीमेल। तो मैंने इसे बंद कर दिया। अभी ये ना ऊपर चढ़ के ना सीढ़ी अपनी स्टिक में चढ़ रहा है। देखें ये चढ़िया चढ़िया, इसके माँ बाप वो दोनों बैठे हैं। तो हमारी रेमबो ने अंडे दिए थे, उसके अंडे सारे के सारे खराब हो गए। हमारी ब्लू ने भी 3 अंडे दिए थे, उसके भी अंडे खराब हो गए थे। तो हमने कल तोड़ दिए थे उसके अंडे। तो इन दोनों के पास पानी तो है लेकिन अब ना इन्हें दाना डालने लगे। ये मोटा सूरज और छोटा सूरज मिक्स करके दिया तभी इधर रख देते हैं। ये खुद ही मशरूम आकर ना खा लें। तो इनके पास सब कुछ है दाना पानी। तो इनको नहीं हम तंग करेंगे क्योंकि अब रेमबो ना अंडे भी देने लगी है। दोस्तों ये जो है ना मेरे जो है ना ये हमारे पास ही अब नहीं रहता क्योंकि इसकी जो फीमेल है ना इसके जोड़ा बन गया। तो अभी ये जंगली हो गया। तो अभी ना इनका दाना पानी हम रख देते हैं, ये इनका दाने वाले बर्तन। तो ये कितने भूखे हैं, मैं कल इन्हें डाल गया था और ये मुझे शायद ना काटने की कोशिश कर रही है। ये देखे दोस्तों कितनी सारी भूखी थी, इसलिए मैंने इसने ज़्यादा डाला है कि ये जो है ना आराम से घूम रहा है और मेल भी आने की कोशिश कर रहा है। जो खाओ दोस्तों मेल भी आ गया, देखे अब वो खाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये देखिए ये जो हमारी वो वाली मुर्गी है जो अंडे देती थी और अब हमने उसके नीचे अंडे रखे वो कुड़क हो गई है और हमने उसके नीचे अंडे रखे। तो देखिए अपने चूंस अपने अंडे ना रख रही है अपने नीचे, उसको पता चल गया कि ये मेरे ही अंडे हैं। तो देखिए इतने प्यारे तरीके से रख रही है और ये देखें उनके ऊपर बैठ गई है कि इनको उसको पता चल गया कि ये मेरे ही अंडे। और हम जब इसके पास गए तो ये देखे कि सब मुँह खोल के हम लोग को डरा रही है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सो दोस्तों ये देखे ये हमारी वो वाली मुर्गी है जिसके नीचे अपने अंडे रखे थे, माशाल्लाह से माँ बन गई है। इसके अंडों में से चूजे निकल गए हैं। ये देखे एक चूज़ा आपको नज़र आ रहा है और ये दूसरा चूज़ा और एक ब्लैक कलर का सेम इसके तरह चूज़ा इसके नीचे आपको दिखाते हैं। ये देखें ब्लैक कलर का सेम इसकी तरह, इतना प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारी मुर्गी पहली बार माँ बनी और कितनी प्यारे इसके चूजे हैं। तो दोस्तों हमने देखा था एक अंडे में ना क्रैक आया था लेकिन चूज़ा बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो हम लोगों ने ना अंडे को तोड़ा
तो देखे हम लोग इसको तोड़ रहे थे, हमने हम लोगों ने ये सोचा कि शायद उससे निकला ना जाए, फिर वो मर ना जाए, इसलिए हम लोग अंडे को तोड़ रहे हैं। ये देखे हम तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो दोस्तों मैं इसको बहुत आराम से कर रहा हूँ कि इसके बाल मेरे हाथ में ना आ जाए। ये जो लेयर है ना अंडे का, शेल तो ईजीली उतर है, बट ये वाली जो लेयर है ये बहुत मुश्किल से उतर है, क्योंकि वो बच्चे के साथ अटैच हुई है, इसलिए वो बहुत ना अजीब तरीके से उतर रही है। तो मुझे डर लग रहा था कि बच्चे के बाल ना आ जाएं और इसके बाल वो खींचे ना जाएं तो उसको दर्द होएगी, इसलिए ना बिल्कुल आराम आराम से कर रहा था मैं। ये देखे उसकी आँख, माशाल्लाह उसकी आँख नज़र आ रही है, देखे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बस बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, मेरा तो दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी संडे को किसी तरह तोड़ूं और चूज़े को हाथ में पकड़ूं, क्योंकि हमारे साथ तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है इस तरह हम लोगों ने अंडे में से बच्चा निकाला है, और हमारी मुर्गी भी फर्स्ट टाइम ही उसने अंडे दिए और वो कुड़क हुई है बहुत। तो दोस्तों ये देखे बच्चे ने अपनी गर्दन बाहर निकाली है, माशाल्लाह कितना प्यार लग रहा है, और अब हमारी मुर्गी के 4 बच्चे हो गए हैं। तो दोस्तों ये देखे हमारे छत पे एक बटरफ्लाई आई थी, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। तो मैं इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल जान के परिंदे को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।